इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सुनना चले जा रहे थे इस वक्त की अपडेट। शुरुआती दौर में कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रही कांग्रेस भी अब इसके समर्थन में है। जी हां, पार्टी के नेता खुद भी वैक्सीन लगवा रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं। आज पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने भी महावैक्सीनेशन के समर्थन में जनता से अपील की, तो उसी पर शिवराज सिंह ने भी शुक्रिया कहने में देर नहीं की। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शुरू किए गए महाअभियान को विपक्ष का भी समर्थन मिल गया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सुबह सुबह ही ट्वीट करके लोगों से अपील कर दी कि वो भी वैक्सीनेशन का जो डोज है वो जरूर लगवाएं, और उनका संदेश और अपील इतनी सकारात्मक थी कि सीएम शिवराज ने भी पूर्ण सकारात्मक ही जवाब दे दिया। जी हां, वैक्सीनेशन महाअभियान के समर्थन में कमलनाथ ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से मुक्त करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने जनता से अपील भी की ट्वीट के माध्यम से। जी हां, उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासियों से मेरा अनुरोध है कि वो 21 जून से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान में टीका अवश्य लगवाएं। वो ये समझाना भी नहीं भूले कि अफवाहों में ना आए, स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके इस कदम के लिए धन्यवाद भी दिया। जी हाँ, वो बोले, मैंने पहले भी कहा था कि ये राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक का विषय नहीं है, ये जनता को बचाने का महाअभियान है। जी हाँ, कमलनाथ जी को मैं इस अभियान का समर्थन करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने महाअभियान का समर्थन किया और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने भी ट्वीट किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने निकले और उनके साथ कांग्रेस के कई पार्षद भी इन अभियान में जुटे और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाकर उनका वैक्सीनेशन करवाया। जहां ये थी इस वक्त की अपडेट, और आप भी वैक्सीनेशन का डोज जरूर लगवाएं क्योंकि इसी से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। वॉइस ऑफ एमपी भी आपसे यही अपील करता है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाएं। ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसी हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।